अब हमें पता चल गया है कि इस साजिश का तार कहीं ना कहीं दिलशाह से जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम उसे अपनी जिंदगी से हटाना चाहती हो। क्यों? ठीक कह रहे ना हम? क्या जवाब दो? हाँ, दिलशाद की जिंदगी मेरे सीने पर बोझ बन गई है और इसीलिए उसका कत्ल करने के लिए मैंने किसी को वहां भेजा था। कर ले जो करना है। बुढ़िया, ये तो एक मिरेकल ही है मिस्टर राशिद। ऐसे लगा जैसे वो सही होने के लिए आप ही के आने का इंतजार कर रही थी। तुम ना, मैं अम्मी के कमरे में ले जाऊं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राशिद, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे अगर मरना होता तो मैं कई बरस पहले ही मर चुकी। ये बात दोबारा अपनी जुबान पे फिर कभी मत लाना दिलशाद। तुम उस दिन कुछ कहना चाहती थी मुझसे? वो गुड़िया
ये वही गुड़िया है ना जो आपने नजमा को उसकी पहली सालगिरह पर दी थी? क्या ये काम आज ही करना जरूरी है क्या? मैं सब अपनी बेटी के साथ में हूं और आज इसकी पहली सालगिरह है, इसलिए मैं जी ठीक है। दो मिनट बेटा बस। बस दो मिनट आवाज मत करो, हम लोग जाते हैं, घर पे जाते हैं, ठीक है? सिर्फ ये लो बेटा, बेटा बस दो मिनट। गुड़िया में से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, फैक्ट्री, गुड़िया। और ये सब काम नहीं कर रही है दिलशाद, तुम सोचो और क्या सुना था तुमने? कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दो लोगों की आवाजें थी, किसी गुड़िया फैक्ट्री का जिक्र हो रहा था। राशिद, क्या हुआ राशिद? आप मुझे बताइए, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं राशिद? बताइए ना राशिद। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता दिलशाद। क्यों नहीं बता सकते राशिद? क्यों नहीं बता सकते? जरूर उस गुड़िया फैक्ट्री का कोई राज है, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन कोई हादसा हुआ था और उस हादसे ने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। आप उस वक्त भी खामोश थे राशिद और हमें छोड़कर चले गए थे। आप आज भी खामोश हैं राशिद। मुझे बताइए क्या हुआ था, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई आंच आए, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हिफाजत से रखना चाहता हूं दिलशाद। अर्ज किया है, आपके ख्वाबों से अपनी नींदें सजाते हैं, आपके ख्वाबों से अपनी नींदें सजाते हैं। अजी लड़के तो लड़के, आपको देख के कुकर भी सीटी बजाते हैं। देखिए देखिए, फिर बच गया तीसरी बार। अच्छा हो गया,
वेरी गुड, अब इसे आप कुकर में डालिए। आयान, आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे। हेल्प ही तो कर रहा हूँ मैं आपकी, आफ्टर ऑल आपको इंस्ट्रक्शन तो दे रहा हूँ कि करना क्या है। इंस्ट्रक्शंस तो मैं भी रेसिपी बुक से पढ़ सकती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप कुकर खोलिए, चलिए। ओके, कम ऑन। ये रहा रेसिपी। तो शेफ आयान आज बनाएंगे आयान। अब ठीक तो है ना? शुक्रिया। आयान, आपको कुकर खोलने में ये हालत है तो बाकी का काम क्या करोगे? एक मिनट, आप दाल में नमक डाल दीजिए, बाकी मैं कर लूंगी, ठीक है? जो हुकुम शेफ साहिबा। वैसे ना इस कुकर में ही कुछ प्रॉब्लम है, अब मेरे को आता तो सब कुछ है। अब देखिए ऐसी दाल बनेगी क्या आप लोग बिरयानी खाना भूल जाएंगे? देखिएगा लोग आपने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। इट्स ओके। तुम अपनी अम्मी के पास बैठो, मैं चला जाऊंगा। डॉल में थी। ओ, अम्मी जब मेरी डॉल ले गई तब गई गई होगी। मुझसे झूठ बोला कि आपने अपना प्यार खो दिया है। सच्चाई तो यह है कि आपने खुद अपने प्यार को छोड़ दिया था।
हॉस्पिटल में आपसे नहीं पूछ पाई। आई एम सॉरी, मैं पूछे बिना नहीं रह सकती कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने फूफी से दोबारा मिलने के लिए मेरी मदद ली और आपने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपकी एक और बीवी और बच्चे भी हैं। ट्रस्ट मी, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं आपकी कभी मदद नहीं करती। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने उस इंसान से मिलने में आपकी मदद की जिसकी जिंदगी आप बहुत पहले बर्बाद कर चुके हैं। इस सच का एक दूसरा रुख भी है। मैंने जो किया वो करने की एक वजह थी। मैं वो वजह अच्छी तरह से जानती हूं। दौलत, आपने अपनी मोहब्बत को छोड़ के दौलत को चुना। But let me tell you, मैंने आज तक आपके जितना गरीब इंसान नहीं देखा। जिस इंसान को उसके अपने बच्चे अब्बू नहीं कह सकते, उससे गरीब कौन होगा? मैंने दिलशाद को दौलत के लिए नहीं छोड़ा। तो फिर किस लिए छोड़ा? कौन सी ऐसी वजह थी जो आपने बरसों तक छुपाई रखी? कुछ राज ऐसे होते हैं जो ताउम्र इंसान के सीने में दफन रहते हैं, कभी उसकी जुबान तक नहीं आ पाते। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान को अपनी बीवी और बच्चे तक छोड़ने पड़े। अगर आपने कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है ना, तो प्लीज मुझे बताइए आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप पुप्पी को छोड़ के चले गए और दोबारा कभी उनके पास नहीं आए? ये बात मैं तुम्हें तो क्या, किसी को भी नहीं बता सकता। एक साजिश जिसने मुझे कैद कर लिया है। पिछले 17 सालों से एक राज है जिसकी शिकंजे में मैं कैद हूं। अगर ये सब जानने के बाद भी तुम्हें अगर थोड़ा सा भी भरोसा है मुझ पे, तो मेरे यकीन करो, मैंने कभी किसी का दिल जानबूझ के नहीं दुखाया, कभी नहीं। रुकी, मैंने और सस्पेक्ट्स की लिस्ट चेक की है। जी? सस्पेक्ट्स की लिस्ट। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अम्मी पर अटैक करने का मोटिव हो। देखिए मिस्टर खान, ये बात तो पक्की है कि जिस किसी ने भी फूफी पर अटैक किया था वो फीनिक्स सिक्योरिटी में ही काम करता था, और जिस किसी ने भी उसे हायर किया होगा उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन तो ये फीनिक्स सिक्योरिटी से जरूर होगा। हो सकता है इस लिस्ट में कोई तो ऐसा नाम है जिसे हम मिस कर रहे हैं। हम जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं मिस्टर खान।